सुल्तानपुर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियापुर थाने के वांछित सचिन और सौरभ सिंह के विरुद्ध मुनादी कराकर 6 माह के लिए उनको जिलावदर कर दिया गया है। जनपद की सीमा में अगर वो दिखाई पड़ते हैं या अंदर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सुल्तानपुर में इमाम हुसैन की याद में नौजवानों ने निकाला 25 किलोमीटर लंबा सफरे इश्क। परचम के साथ तिरंगा लेकर तय किया गया पैदल सफर। मुल्क की आन बान और शान तिरंगे को अपने मजहबी परचम से आगे रखकर नौजवानों ने 25 किलोमीटर लंबा सफर इश्क मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का ऐलान आज। सुल्तानपुर में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। व्यापारियों ने रोज की भांति खोले अपने प्रतिष्ठान। भारतीय किसान यूनियन ने व्यापारियों से किया था भारत बंद में समर्थन करने का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन ने जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर लगाया जाम। भारतीय किसान यूनियन ने शहर के प्रमुख मार्गों पर निकाली रैली। व्यापारियों से दुकानें बंद करने का कर रहे हैं आह्वान। अमेठी में संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का ऐलान आज। जायस बहादुरपुर में भारत बंद का दिख रहा है मिला जुला असर। व्यापारियों ने रोज की भांति खोली अपनी दुकानें। भारतीय किसान यूनियन ने शहर के प्रमुख मार्गों पर निकाली रैली। व्यापारियों से दुकानें बंद करने का कर रहे हैं आह्वान। लखनऊ में आयोजित किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया तथा देश के किसानों को गुमराह करने के लिए देश की सांप्रदायिक पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। अमेठी में हाई टेंशन विद्युत करंट की चपेट में आने से बंदर की मौत हो गई। हिंदू रीति रिवाज से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। तिलोई तहसील के मोहनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमई में स्थित पानी की टंकी पर 11,000 विद्युत लाइन करंट की चपेट में आने से एक बंदर के बच्चे की मौत हो गई थी। ग्रामीणों द्वारा की गई इस पहल की लोगों ने सराहना की है। अमेठी में दीवार के बगल में गड्ढा खोदने से मना कर रहे अधेड़ को भारी पड़ गया। दबंगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। तिलोई तहसील के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे लोसनी मजरे पश्चिम का ये मामला है। पीड़ित ने मोहनगंज कोतवाली पुलिस को शिकायत पत्र देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। जय किसान आंदोलन के आग्रह पर दुकानदारों ने आज अपनी दुकानें बंद करी। जनपद अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और किसानों ने जुलूस निकालकर भारत बंद में व्यापारियों के बंद का समर्थन मांगा। अमेठी में घर के अंदर काम करते वक्त विद्युत की चपेट में आया 45 वर्षीय राजगीर मिस्त्री। आनंद फानंद में घर वालों द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के उपरांत अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। जामो थाना क्षेत्र अंतर्गत कटारी गांव का ये मामला है। 2022 चुनाव को लेकर पार्टी AIMIM ने भी अमेठी में चुनाव नजदीक आने की वजह से अपना अपना प्रचार शुरू कर दिया। काजिमगंज मोहल्ला जर मस्जिद जायस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें AIMIM ने मिशन 2022 के तहत जिला अध्यक्ष अमेठी कदीर खान ने चुनाव की तैयारी करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के क्रम में महिला प्रकोष्ठ की नगर अध्यक्ष मोहतरमा तरन्नुम को नियुक्त किया गया और साजिया को नगर महासचिव नियुक्त किया गया। अयोध्या टैलेंट हंट का सेमीफाइनल संपन्न हो गया है। 2 अक्टूबर को होगा ग्रैंड फिनाले। मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे भाभी जी घर पर है के तिवारी जी। ताराजी रिसोर्ट में प्रेडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अयोध्या टैलेंट हंट का सेमीफिनाले आयोजित किया गया, जिसमें एक्टिंग डांसिंग सिंगिंग मॉडलिंग व अन्य टैलेंट की खोज के लिए ऑडिशन में चयनित प्रतियोगियों का सेमीफिनाले राउंड किया गया। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज